बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। इस बीच न्यूज 24 के सवाल पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये कहा है कि सकारात्मक बातचीत के लिए तैयार है वो, किसान नेता आगे आए और बातचीत करें। कृषि मंत्री की किसान आंदोलन खत्म करने की अपील एक बार फिर से नजर आई है। मोदी सरकार की नई कैबिनेट की कल पहली बैठक हुई जिसमें सरकारी मंडियों को मजबूत करने के लिए अहम कदम उठाया गया है। तोमर ने नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों से कहा है कि सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है, कोई इरादा नहीं है कि वो सरकारी मंडियों को खत्म करे। और एक बार फिर से कृषि मंत्री ने बातचीत की अपील की है और कहा है कि आंदोलन को खत्म किया जाए। नरेंद्र सिंह तोमर जी, रमन न्यूज 24 से बोल रहा हूँ। आपने कहा कि आज कैबिनेट में जो महत्वपूर्ण निर्णय हुए और आपने किसान आंदोलन से जुड़े लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, आपको लगता है कि आज के इस बड़े फैसले के बाद किसान आंदोलन में जो लोग शामिल हैं उनको आप अपील करेंगे कि वो अपना आंदोलन वापस लें, या आंदोलन वापस अगर वो नहीं लेते हैं तो बातचीत के लिए आप इन्वाइट करेंगे उनको? किसान आंदोलन से संबंधित जो यूनियन हैं उनको मैंने एक बार नहीं अनेक बार यह कहा है कि कानून को रिपील करने के अतिरिक्त कोई भी प्रस्ताव वो लेकर हमारे पास आएं, हम उस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, कृषि कानूनों के खिलाफ जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको 7 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। इससे पहले 11 दौर की बातचीत हो गई, एक बार फिर से बातचीत की अपील की गई है। सरकार के इस प्रस्ताव पर राकेश टिकैत का बयान भी सामने आया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि हम भी सरकार से बातचीत करना चाहते हैं लेकिन इसके लिए कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। वे फेयर कंडीशन ये लगा रहे कि किसान आए बातचीत करें और कानून चेंज नहीं होंगे, कानून में बदलाव करें, कानून खत्म नहीं होंगे और आके बातचीत कर ले, धरना खत्म कर दे। तो जो 8 महीने से किसान बैठे कोई ऐसे ही नहीं बैठे कि सरकार इसको एडवाइजर दे, एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर है और किसान को जो कुछ कहेगी उसके डायरेक्शन पे किसान चलेगा, ऐसा नहीं है। सरकार को बातचीत करनी, जो भी होगी वो हाउस के अंदर बात होगी, उनको बात करनी है बात करें लेकिन कंडीशन लगा कर बात ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि वो कौन सा सिस्टम है कि जिससे मंडी बच जाएगी, जब मंडी के बाहर खरीद होगी करीब 40 से ज़्यादा मंडी मध्य प्रदेश की, उसमें 0% वहाँ पर खरीद हुई है, वे मंडी मंदी के कागार पे है, पूरी बंद होगी वे मंडियाँ। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की, बिहार पूरा बंद हो चुका है, मतलब कौन सा फार्मूला है कि वहाँ पर खरीद होगी नहीं और मंडी चलती रहेगी, कौन सा फार्मूला है? हो सकता है कि एक आध साल ये उनकी सैलरी दे दें, उनका रख रखाव कर दें लेकिन उसके बाद में क्या होगा? जब मंडियों में पैसा ही नहीं होगा तो खत्म हो जाएगी मंडी, पूर्ण रूप से मंडी धीरे धीरे बंद हो जाएगी। जो हाल बिहार का हो जाए वही हाल पूरे देश के किसानों का होगा, पूरे देश की जो मंडियाँ है उसका हाल होगा। 50% से ज़्यादा अनाज जो व्यापारी सस्ते में खरीदता है वो गोदामों में जाता है सरकारी, वो फर्जी तरीके से जाता है, उसमें उसके कर्मचारी और जो बड़े लोग हैं वो उसकी खरीद करते हैं, जो वहाँ पर व्यापारी बैठा है वो खरीद करता है सस्ते में और वो फिर FCI को और इनको देता है वो अनाज। किसान से खरीद नहीं हुई आज भी किसान का अनाज, तो बहुत अनाज घरों में पड़ा हुआ है। वो हरियाणा की आप बात कर लो, आप उत्तराखंड की बात कर लो, आप तराई वाले बेल्ट की बात कर लो, किसान का तो गेहूँ की खरीद हुई नहीं, यही मक्का का हाल है, यही दूसरी जो फसलें हैं उसका हाल है। तो MSP पे पूर्ण रूप से किसान की खरीद नहीं होती और बाजार उससे सस्ता है। जब तक इस पे कानून नहीं बनेगा किसान को कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो देखिए, किसान और सरकार दोनों ही बातचीत के लिए तैयार नजर आ रहे हैं लेकिन इस बीच सुलह का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे ये आंदोलन खत्म होगा, ये इस बातचीत के बाद ही तय हो पाएगा।